गौतम बुद्ध नगर में वन्य प्राणी सप्ताह 2021 का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश वन विभाग ने ओखला पक्षी विहार में स्लम के बच्चों के लिए फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने भाग लिया और वन जीवों की तस्वीरें ली। बच्चों ने पुरस्कार भी जीते। गौतम बुद्ध नगर की थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से अवैध हथियार बरामद है। घर से गुम हुई 4 वर्षीय बच्ची को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मात्र 4 घंटे में ढूंढकर सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया। बच्ची को पाकर परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। प्रगति मैदान में दिल्ली ज्वेलरी एंड जैम फेयर में AIJGF की वेबसाइट लॉन्च की गई है। सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। दिल्ली के बड़े मंदिरों में नवरात्र की तैयारियां शुरू है। थर्मल चेकिंग होगी, प्रसाद नहीं चढ़ेगा। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर लोगों के लिए मंदिर खोले जाएंगे। प्राचीन झंडेवाला मंदिर के सचिव कुलभूषण आहूजा से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही मंदिर में भक्तों को एंट्री दी जाएगी। बिना मास्क के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। गौतम बुद्ध नगर की तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें अपर आयुक्त मेरठ मंडल एवं उप जिलाधिकारी सदर प्रसून द्विवेदी ने अध्यक्षता की और लोगों की समस्याएं सुनी। कुछ शिकायतों का समाधान अधिकारियों द्वारा मौके पर ही किया गया। गौतम बुद्ध नगर में जोमेटो में काम करने वाला कर्मी चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार हुआ है। थाना सेक्टर 49 नोएडा का ये मामला है। थाना दादरी पुलिस द्वारा हिस्ट्री सीटर अपराधी गिरफ्तार हुआ है। कब्जे से 250 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ है। नशीले पाउडर की तस्करी करने वाले 2 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। उनके कब्जे से 200 ग्राम नशीला पाउडर व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज